देखिए अब एग्जाम्पल नंबर वन देखते हैं हम। पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5। क्या आया समझ में? और एक बार पढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन को, देखना क्या बोला। फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एरिया में क्या चेंज हो रहा है। मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई सर्कल है, देखिए एक सर्कल है, और इस सर्कल के एरिया में क्या चेंज हो रहा है। देखिए सर्कल है, सर्कल के एरिया में क्या चेंज हो रहा, कब होगा चेंज? जब उसका रेडियस बढ़ेगा। आई बात समझ में? उसका रेडियस बढ़ेगा। देखिए मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं, इसके रेडियस को बढ़ाते जा रहा हूँ, तो इसके एरिया में चेंज होते जा रहा, ठीक है ना। क्या बोला है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? सर्कल एरिया की बात कर रहे हैं तो ये से डिनोट कर देते हैं हम, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मतलब इसके एरिया में क्या चेंज होगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बिल्कुल आसान, सबसे आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके रेडियस से के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा, बस इसकी वैल्यू पूछी है। लेकिन कब? जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है कि एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट जो चेंज हो रहा है, उसलिए हम क्या करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू कितना, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dA/dr। देखिए ध्यान देना, इधर एरिया क्या है, तो पाई आर स्क्वायर और d/dx। सिंपल सी बात है कि जब आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई कहाँ जाएगा, सामने, और d/dr और आर स्क्वायर। और आपको मालूम है कि भाई जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना है x की रिस्पेक्ट और x की पावर n है, तो पावर कहाँ चल जाती है, सामने, और x की पावर में से एक कम हो जाता है। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n है, तो n सामने चला जाएगा, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई, देखिए 2 सामने चला गया और यहाँ पर r की पावर 1 हो जाएगी, 2 पाई r। तो उसके एरिया में चेंज ऑफ रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर आपको यहाँ पर पता चल गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। 8 आर इज इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर तो रख दो, आर की वैल्यू रख दो, dA/dr और आर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 रख दिया मैंने। कितना हो जाएगा, dA/dr 8, जो r की वैल्यू है ना, वेरिएबल की वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर नीचे में इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, r की वैल्यू हमने क्या किया, 5 रख दी, तो कितना हो जाएगा, 10 पाई आ जाएगा इसका आंसर। जो हमसे पूछा गया है वो डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन यूनिट भी तो लिखना पड़ेगा। यूनिट क्या चल रही है यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब इतने सेंटीमीटर में गिवन है ये, और जब सेंटीमीटर में गिवन है और ये क्या एरिया है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
अरे एरिया रहेगा तो स्क्वायर लगाना है, वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब लगाना है, और रेडियस वगैरह या कोई लेंथ है तो सेंटीमीटर लिखना है। बात क्लियर है ना? यूनिट वैसी रहेगी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म चलता है। तो हमें चेंज निकालना है, चेंज यहाँ पर निकाल चुके हैं। ध्यान देना इधर, क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, ज़्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले रहेंगे चैन रूल वाले। कैसे रहेंगे? चैन रूल। आपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा तब चैन रूल पढ़ा है। थोड़ा सा चैन रूल क्या है? लेंदी है। लेंदी है मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है, वो दूसरा वेरिएबल तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है, तीसरा वेरिएबल चौथे वेरिएबल का फंक्शन है। तो बहुत लंबी चैन हो गई, इतनी लंबी चैन नहीं आती है, एक दो वेरिएबल तक चैन रहती है, दो तीन वेरिएबल तक। ठीक है ना? देखना फिर से और एक बार, चैन रूल की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और चैन रूल को समझने के लिए हम दूसरे तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। जब भी चैन रूल की ज़रूरत रहेगी, पहली बात तो चैन रूल समझेंगे कैसे, कब कब कि भैया ये चैन रूल है या नहीं है। अभी यहाँ पर देखना सिचुएशन कैसी बन रही। वाई मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, क्या हो रहा? वाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स ने फंक्शन बनाया है ना, एक्स ही तो इन्वॉल्व है यहाँ पर। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि वाई जो है वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। लेकिन जो एक्स है ना, एक्स भी फंक्शन है। किसका फंक्शन है? सपोज यू स्क्वायर माइनस थ्री यू प्लस ई रेस टू द पावर यू। एक्स किसका फंक्शन है? यू का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर बोल सकते कि जो एक्स है वो भी किसका फंक्शन है? यू का फंक्शन है, जी ऑफ यू। जी ऑफ यू मतलब एफ के जगह मैंने जी यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन जो यू है, यू भी खुद फंक्शन है। चैन रूल में ऐसे क्वेश्चन मिलते थे ना, यू भी खुद फंक्शन है। किसका? टी का फंक्शन है, साइन टी माइनस टू ई रेस टू दी पावर थ्री टी। यू किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर बोल सकते कि यू इज फंक्शन ऑफ एच ऑफ ओवरऑल। हो क्या रहा यहाँ पर? हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो वाई है, वाई किसका फंक्शन है? एक्स का। एक्स किसका फंक्शन है? यू का। यू किसका फंक्शन है? टी का। ये होती है चैन रूल। वाई एक्स का फंक्शन, एक्स यू का फंक्शन, यू टी का फंक्शन। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करने की बारी आती है तो डी वाई बाय डायरेक्ट टी बोला जाता है। कहने का मतलब वाई का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करिए। तो एक्स और यू कहा गया? बीच में आ गया, बीच में आ गया ना। तो फिर इनका क्या रोल रहेगा? तो डायरेक्ट चैन रूल लगाया जाता है। कैसे चैन रूल लगाया जाएगा? डी वाई बाय डी टी लिख दो। समझ में आई बात? भाई डी वाई बाय डी टी है तो डी वाई लिख दिया, डिवाइडेड बाय डी टी लिख दिया, ऐसा दूर दूर लिख दो। वाई का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बाय डी टी लिख दिया, ये शुरू में और लास्ट में। यहाँ पर बीच में कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। कौन से कौन से? एक्स और यू। सिंपल, एक्स है पहले तो यहाँ पर डी एक्स, डी एक्स लिख दो। आर्डर वही होना चाहिए, इधर से इधर लिखते हुए जाना। पहले कौन है? एक्स, एक्स लिख दिया, डी एक्स, डी एक्स ऐसे में लिख दिया। फिर कौन है यहाँ पर? यू, तो यहाँ पर लिख दो डी यू, डी यू। बस हो गया काम। अरे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। आपको क्या करना है? वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। एक्स का यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे। यू का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू यहाँ रख देंगे। बस हो गया काम खत्म। चैन रूल को पहाड़ नहीं बनाना है आपको, ये एप्लीकेशन कर रहा है, बिल्कुल एकदम शॉर्टकट तरीके से करना है। फिर से और एक बार, सपोज करें कि यहाँ पर एक चैन को कम कर देता हूँ, मैं एक चैन को कम कर देता हूँ। आप इसको पहले नोट कर लेना, ठीक है ना? एक तो चैन ये वाली थी, अब दूसरी चैन देखिए। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर अब वाई किसका फंक्शन है? तो आप बोलेंगे कि वाई एक्स का फंक्शन है। एक्स किसका फंक्शन है? यू का फंक्शन है। क्लियर हो गई बात? हमें क्या करना है? वाई का यू के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैन रूल है ना, ये चैन रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना? इसके बिना एप्लीकेशन नहीं बनने वाली। तो चैन रूल, और वो भी एक स्टेप में ख़त्म करना है आपको चैन रूल, वो पूरा लंबी प्रोसेस नहीं करना, लेट ए और वो और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? अब देखना,
डायरेक्ट लिखना है आपको डी वाई बाय डी यू, डायरेक्ट लिख दिया। वाई का यू के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया, ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट। बीच में कौन है, एक्स है, बस ये यहाँ पर डी एक्स डी एक्स, जो वेरिएबल है उसको ऐसे में लिखना है, देखिए ना डी एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या थे, एक्स था, देखिए ऐसे में लिख दिया, फिर यू था, ऐसे में लिख दिया, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है नेक्स्ट सेकंड नंबर का।